हॉलीवुड का मुकाबला करती हैं। और सेक्स कॉमेडी की बात करें, अगर आपको कभी कोई स्क्रिप्ट ऐसी आई है, अप्रोच हुए कि सेक्स कॉमेडी करने के लिए, हाउ अबाउट यू, आर यू रेडी फॉर इट? सेक्स कॉमेडी, सेक्स कॉमेडी, हां, आप देखते कैसे हो जॉनर को? अगर एक सेक्स में भी पर्दा होता है, हमारे वक्त की हीरोइंस यहाँ तक ब्लाउज पहनती थी, गद्दाज बदन, साड़ी, बिंदी, माथा, तो हम लोग सोचते रहते थे यार साड़ी के अंदर ये कैसी होंगी। यू कैन इमेजिन, पर्दे में भी अपना नशा है, पर्दे में भी खूबसूरती है, पर्दे में भी सेक्स है बेटे, ऐसा नहीं कि पर्दे, लेकिन बेपर्दगी में आहिस्ता आहिस्ता लगता है यार हटाओ यार, हमको आई डोंट क्रिटिसाइज, बट मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे ये जो फेमिनन, ये जो हमारी है पौध, ये हल्का हल्का मतलब थोड़ा खुलें, बहुत ज़्यादा मत खुलें। मुझे नहीं लगता कि कोई खास डिफरेंस है, क्योंकि पंजाबी में भी सिर्फ एक लैंग्वेज का ही फ़र्क है और कुछ नहीं है, क्योंकि पाजी ने मेरे साथ फिल्म की है पंजाबी भी, सो आजकल बहुत से और आर्टिस्ट, अक्षय पाजी ने भी फिल्म की थी मेरे साथ, सो काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ से वहाँ काम करते हैं, वही टेक्नीशियंस हैं, यही काम होता है, वही चीज़ें चलती हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है ऑलमोस्ट। मैं वैसे ही बहुत इंस्पायर्ड हुई इनसे, क्योंकि हम जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब, वहाँ तो कोई और हीरो ही नहीं है, क्योंकि जब छोटे होते थे तो बस ऐसे ही होता था कि जैसे कोई फेस्ट पाजी की फिल्म आती थी, जब मैंने अपने फादर्स वगैरह सबको देखा है, जैसे आसपास वालों को, उनको ऐसा होता था कि आज फिल्म लगनी है धर्म पाजी की, जैसे कोई फेस्टिवल होता है ना हमारे, वो होता था कि ट्रैक्टर ट्राली भर के ले गए लोग, ऐसे के जैसे मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, ऐसे थिएटर में जाते थे लोग इनको देखने। सनी पाजी की फिल्म आई थी बेताब, सो सब ऐसे थे, गांव से जा रहे थे ट्रालियां भर भर के, हमारे भतीजे की फिल्म लग रही है, चाहे ज़िंदगी में कभी देखे नहीं है, मिले नहीं, मतलब इतना प्यार है। सो हमारे लिए तो एक ही हीरो थे धर्म पाजी, सो उन्हीं के साथ, सो मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं मिलूँगा, सो अब उनके साथ काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा, सो बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा। खूब देखभाल की, साग खिलाया, वो घर भी गया है, तब मैं पीता नहीं तो थोड़ी पिला भी दी। करण जी, आज भी आप काम कर रहे हैं, एज नाम का शब्द आपके लिए है ही नहीं, तो क्या कारण है जो आज भी आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप कर रहे हैं, तो आप कैसे फिटनेस आई लव क्या हुआ, मैंने कहा ना ये जो लोग प्रोफेशन के थे, ये मेरी महबूबा है, मैं इनके आसपास ही रहना चाहता हूँ, मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, इनसे दूर चला जाऊँगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा, जब तक जिंदा हूँ आई विल बी इन लव विद इट, एंड थ्रू दिस आई कम क्लोज टू यू ऑल, मैं हर किसी के दिल को छूता हूँ, किसी को अच्छी तरह, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, और आपसे जो प्यार मिलता है ना, इट्स ह्यूमन नेचर टू बी लव, टू बी लव, टू बी लाइक, टू बी एडमायर्ड। I think there is nothing like show business. Your wife does not stop you? Huh? Your wife does not stop you from working, because she can see you how your health is deteriorating, or you know, no, it's well not, she knows it's not deteriorating, jitna kaam karega utna hi sakht hoga ye. They know ke without work aadmi dheela pad jaye, baith jao. To mere kuch log hai, main unse kaha baithe baithe waise hue bimar hote jaate hain. To ek baitha tha aise ki paaji mein, मैं कहा चल उठ, कहीं चल, कहीं भी चल, बैठे बैठे सो जाएगा, सोना नहीं, सोने की घड़ी अभी आई नहीं, चल वर्क, गो ऑन, डू इट। देव साहब को मैंने देखा था, चल हर हम मैं बना रहा हूँ फिल्म, मेरे साथ काम करो, मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, बस पर्सन यही तो है, इसीलिए तड़पते थे, दिलीप कुमार की फिल्म में ऐसी जुल्फ निकालते थे, और यहाँ भगवान मालिक ले आया तो यहाँ से अब कौन हटना चाहेगा, बहुत कोशिश की,
अदरा आप स्लिप डाउन नहीं हुए, फिर पकड़ लिया कुंडली की पकड़ी में, फिर चल पड़े। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड आई वांट यू ऑल टू प्रे फॉर मी हेल्दी प्रॉस्पेरस लॉन्ग लाइफ। आई नो आप लोगों की गुड विशेस हमेशा लगती हैं। ओके, थैंक यू। सेकेंड हैंड हस्बैंड एक बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी एंटरटेनिंग फिल्म है, और इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म भी है, जो है एलिमनी। एंड मेरा इस फिल्म में किरदार है गुरप्रीत, जो कि एक लॉयर है, और वो बहुत ही नाइव और पैम्पर्ड कैरेक्टर है अपने फैमिली की। एंड मैं इस फिल्म में गिप्पी की गर्लफ्रेंड भी हूँ और इनकी लॉयर भी हूँ। जी, हमारा जो फिल्म है वो पंजाब में बेस्ड है, बिकॉज द स्टोरी रिवॉल्व्स इन पंजाब, लाइक कि पंजाब की एक एक लड़के की कहानी है जो बेसिकली अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता है, एंड द एंटायर फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड पंजाब, दैट यस पंजाबी तड़का डेफिनेटली है। पंजाबी में ज़्यादा म्यूजिक जो है काफ़ी हटके रहता, तो इस फिल्म में कुछ ऐसा म्यूजिक दिखाई देगा जो पंजाबी म्यूजिक जी जी बिल्कुल। अभी तक जितने भी गाने हमने शूट किए हैं और जितने भी गाने मैंने सुने हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, एंड बहुत ही अच्छे और डांस नंबर्स काइंड ऑफ है, तो यस आई थिंक हम मुंबई आइट्स को भी पसंद आएगा। हमने पोस्टर में देखा है कि नो वारंटी नो वारंटी, उस टाइटल के बारे में बताइए, क्या ये टाइटल? ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि सेकेंड हैंड हस्बैंड एक तो है ऑलरेडी, एंड आजकल तो फर्स्ट हैंड की कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती है, तो दैट इज द रीजन इट्स गॉट दैट टैग। इसमें कुछ सुना है कि आपके नाम में बदलाव है, नर्मदा से टीना हो गया? नहीं, नाम में मेरे कोई बदलाव नहीं आया, मेरा नाम नर्मदा था और रहेगा, और मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी नर्मदा से ही है, बट टीना मेरा पेट नेम है और मैं फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री में उसे यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, हमने सुना काफ़ी समय से कि आप बॉलीवुड में एंट्री कर रहे थे, क्या वजह है इस फिल्म में काम करने का, क्या स्क्रिप्ट कैसा लगा आपको? जी, इस फिल्म को साइन करने का एक ही वजह था, वो था मेरा कैरेक्टर गुरप्रीत, इस फिल्म का स्क्रिप्ट और इस फिल्म के डायरेक्टर, एंड देन ऑफ कोर्स धर्म जी केम इन ऑन बोर्ड, गिप्पी वाज देयर, सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट या डेफिनेटली आई साइंड दिस फिल्म बिकॉज़ द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म एंड बिकॉज़ ऑफ द डायरेक्टर। फिल्म में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, जिस तरह से बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्म जी हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि धर्म जी मेरे पिता के आइडल रह चुके हैं, मेरी मम्मी के फेवरेट एक्टर रह चुके हैं, तो बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी मैं, क्योंकि पहली पिक्चर में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ही वॉज वेरी स्वीट टू मी एंड वेरी कम्फर्टिंग, कि यू नो इट वॉज माई फर्स्ट फिल्म, सो ही डिडंट मेक मी फील लाइक अ न्यू कमर और एनी थिंग एज सच, सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब थिएटर में आइए, हमारी पिक्चर देखिए, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं आप आइए पिक्चर देखिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें एक मौका दीजिए आपको एंटरटेन करने का, एंड आई होप यू ऑल लाइक द फिल्म एंड सी यू इन द थिएटर्स ऑन 3rd July। थैंक यू। थैंक यू।